गाइस ये देख रहे हो, ये एक स्पिरिट ड्रैगन है एंड इसको मैंने पकड़ लिया था प्रीवियस एपिसोड में। बोल, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है यार। अरे सिंचन, तू डरता क्यों है यार? कोई कुछ करेगा क्या? अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे ऊपर आज अटैक आने वाला है यार। अरे यार, पहले हम लोग स्पिरिट ड्रैगन को लेकर के जानते हैं एंड मैजिक को रिवाइव करते हैं, ठीक है? क्योंकि जब मैजिक आएगा तभी गाइस अगर कोई दुश्मन अटैक करेगा फिर मैजिक ही बचा पाएगा, ठीक है? एंड मुझे लग रहा है कि गाइस रीपर भी आने वाला है किसी भी वक्त। एंड चलो गाइस, अपने स्पिरिट ड्रैगन को फिलहाल तो गाइस मुझे लेकर के जाना पड़ेगा, यस, अपने सोल गन के अंदर, ठीक है? एंड इसके पास कोई चीज हुई नहीं है गाइस, बट ये म्यूजिक अभी तक क्यों बज रहा है यार? कोई खतरनाक डायनासोर अभी भी है क्या इधर? पता नहीं गाइस, इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? कुछ भी, एनीथिंग इज पॉसिबल मैन, एनीथिंग इज पॉसिबल। बॉडी काम यार। तो गाइस अपना डेमोनिक कैप्रोसुकस इधर है ना, जब तक के गाइस अपना डेमोनिक कैप्रोसुकस इधर है तब तक के मुझे किसी का डर है क्या? नहीं ना। अरे बापरे गाइस, ये कंगारू देख रहे हो कितना बड़ा है। एंड कोई इंटरेस्टिंग सा डायनासोर वायनासोर अगर मेरे को देखने को मिलता है ना ब्रो, तो मैं डेफिनेटली लेकर के जाऊंगा, पकड़ के लेके जाऊंगा। बट ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये पैरोट कितना खूबसूरत है यार। वाह, जैसे कि देख पा रहे हो गाइस, ये तो टॉक्सिक होगा ना, कॉस्टिक पैरोट। अच्छा गाइस, ये कॉस्टिक पैरोट है ब्रो, मतलब गाइस इसका ये टाइप है पॉइजन, ठीक है? ये पॉइजन टाइप वाला है। एंड यार इसके मुंह से पूरा यार पॉइजन निकल रहा था यार। एंड गाइस, अरे बाप रे गाइस, ये तो क्रिसमस गच्चा है, ये तो गच्चा क्लॉज है यार। अगर मैं इसको मार डालूंगा तो शायद से मुझे इससे कुछ मिल सकता है। चलो गाइस, मैंने इसको मार तो दिया, अब एक मिनट, अगर इसको फुल ऑन मार देंगे ब्रो कुछ भी नहीं मिला यार। ऐसे मैंने इसको मार दिया यार। अरे बोल, तूने इसको क्यों मारा यार? मेरे को लगा था उससे कुछ मिलेगा बट उसने तो कुछ दिया ही नहीं यार। ओहो, आई एम सो सॉरी गच्चा। एंड जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे कितने सारे यार एलिमेंटल पैरोट्स है यार। एंड ये कॉम्पिस इतने लाल क्यों है यार इतने? अरे हट यार तुम लोग की ऐसी की जैसी। ओके गाइज, यहाँ पे कुछ अनोखे वाले डायनासोर। एंड अगेन गाइज, यहाँ पे इतने सारे पैरोट्स क्यों यार, इतने सारे पैरोट्स। एंड ये क्या है, अल्फा अर्जेंटिविस? बाप रे, मैंने इतना खूबसूरत अल्फा अर्जेंटिविस कभी देखा ही नहीं। भाई तू मेरे को मारने के लिए क्यों आ रहा था यार? तेरे को पता है ना कि मैं अपने कैप्रोसुकस के ऊपर हूँ। एनीवेज गाइस, चलो घर चलते हैं। एनीवेज गाइस, मेरा घर है इस तरफ, तो चलो गाइस पानी में ही चलना पड़ेगा। लेट्स जंप। क्या जंप लगाता है ना ब्रो, क्या जंप लगाते हैं। एंड पानी के ऊपर भी जंप लगा सकता है गाइस, ये इसका खासियत है। एंड जैसे कि देख पा रहे हो गाइस, एक मिनट ये बंद कर लेता हूँ। ये देखो गाइस, ये तो एक कॉस्टिक लियोपोडोन है यार। अरे बाप रे गाइस, इतने कॉस्टिक डायनासोर्स इधर क्यों निकल रहे हैं यार? चलो यार कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो ऐसे उड़ उड़ के जाएंगे अभी। बोल, क्या सही में सेलिस्टियल फेरॉक्स रिवाइव हो जाएगा? सेलिस्टियल फेरॉक्स ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है। बस अभी देखते हैं स्पिरिट पावर जब उसके ऊपर पड़ेगा तो मे बी गाइस वो जिंदा हो भी सकता है। क्या होगा उसके नसीब में पता नहीं, बट मैं तो अपना डेफिनेटली 100% देने वाला हूँ, क्योंकि यार सेलिस्टियल फेरॉक्स ने हमें बचाया था केओस ड्रैगन से, ठीक है? एनीवेज गाइस, हम लोग घर पहुँच चुके, अब फटाक से सेलिस्टियल फेरॉक्स के पास चलते हैं। बेचारा सेलिस्टियल फेरॉक्स अभी भी यार बेहोशी की हालत में ही है। कोई प्रॉब्लम नहीं यार, निकालते हैं। चलो काम हियर स्पिरिट ड्रैगन। स्पिरिट ड्रैगन इधर आ चुका है, बट स्पिरिट ड्रैगन को अपना फुल ऑन पावर दिखाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है मुझे ना स्पिरिट ड्रैगन के लिए फटाक से बना लेना पड़ेगा सैडल, तभी गाइस मैं उसका पावर यूज करके सेलिस्टियल फेरॉक्स को जिंदा कर पाऊंगा, ठीक है? तो देखते हैं। हे गाइस, स्पिरिट ड्रैगन, ओ बॉस एसेंस एंड पॉलीमार्ट, ये तो हो जाएगा। प्राइमल ब्लड ये भी हो जाएगा, बट बॉस एसेंस ये कैसे मिलेगा मुझे? ये क्या है? ओ यही है बॉस एसेंस, तो बॉस एसेंस नहीं। अच्छा गाइस, ढेर सारे बॉस एसेंस चाहिए क्या? ठीक है ठीक है, बॉस एसेंस को एक का डबल करना पड़ेगा, तो बॉस एसेंस निकाल लेते हैं ब्रो। मेरे पास ढेर सारी चीजें हैं, जैसे कि देख पर बहुत सारा चीजें हैं। ओके ओके, बन जा। ओके डन। अरे ओके 250, ठीक है, अब ये सब फेंक देता हूँ। एंड गाइस मुझे थोड़े से ना बॉस केबल भी चाहिए था, तो थोड़ा सा बॉस केबल भी मैं अपने साथ लेते हुए जाता हूँ, ठीक है? जल्दी से बन ले ब्रो, ठीक है? मैं और भी डायनासोर बॉसेस को पकड़ने वाला हूँ, क्योंकि यार हम पीकॉन रीपर ऐसे या दिग्गज वाले बॉसों के साथ फाइट करने वाले हैं। एंड गाइस मेरे को क्या हो गया अभी? मेरे को भूख वूख लग रहा है क्या? अच्छा गाइस, नहीं नहीं पानी, अरे गाइस मेरे को पानी चाहिए था। ठीक है ठीक है ठीक है, पानी भी लेके आएंगे। बॉस एसेंस मैंने डाल दिया है गाइस, आप पॉलीमार एंड प्राइमल ब्लड चाहिए। एंड आई थिंक गाइस प्राइमल ब्लड यहाँ पे थोड़ा सा है, नहीं है क्या? नहीं है क्या गाइस? तो यहाँ पर मुझे प्राइमल ब्लड मिलेगा क्या? अगर गाइस मुझे प्राइमल ब्लड नहीं मिलने वाला है ना ब्रो, तो दिक्कत हो जाएगा।
इसका मतलब गाइस मुझे किसी प्राइमल डायनासोर को मारना पड़ेगा। तो चलो गाइस अपने यार डेमोनिक कैप्रोसुकस को लेकर के जाते हैं एंड देन प्राइमल डायनासोर को मारते हैं। अरे बोल या फिर से तू जाएगा क्या प्राइमल डायनासोर को मारने के लिए? मारना तो पड़ेगा। अगर स्पिरिट ड्रैगन को मैं यार एक्टिव नहीं कर पाया, उसके पावर को एक्टिव नहीं कर पाया, तो सेलेस्टियल फेरॉक्स कैसे वापस आ सकता है ना? तो सेलेस्टियल फेरॉक्स को लाने के लिए हमें यार जैसे तैसे करके एक प्राइमल डायनासोर को तो मारना पड़ेगा। एंड मुझे पानी चाहिए था, थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। पानी पी ले ब्रो, पानी पी ले। ओके मेरा पानी मीटर फुल हो रहा है। एंड गाइस नीचे मेरे को पूरे बॉपरे गाइस जैसे कि देख पा रहे हो अभी कितने सारे अल्फा मेगलाडोन से हट जाओ यार, मर जाओगे, खामा खा मर जाओगे यार। चलो आप प्राइमल, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है? अरे बोल, ये तो एक रिपर है। शिट, ओ नो, ये रिपर्स कैसे आ रहे हैं इतना? गाइस क्लियरली आप लोग देख पा रहे, ये तो ओमेगा रिपर है मैन। एक मिनट गाइस, अगर ये ओमेगा रिपर है, शिट 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 गाइस, ये ओमेगा रिपर मेरे साथ लड़ने के लिए आएगा क्या? चलो पहले वो देखते हैं। गाइस ये मेरे ऊपर पॉइजन फेंक रहा है, मैं तो डॉच कर दिया हूं। आ गाइस ये ताकतवर हटो है ब्रो, 750 कंटिन्यूस डैमेज दे सकता है गाइस, 750 कंटिन्यूस डैमेज। भाई ओमेगा रिपर देख, मैं ना तेरे को ऐसे मिटा सकता हूं जैसे तू कुछ काम का है ही नहीं, ठीक है, खत्म। मैंने बोला था ना मेरे साथ पंगा मत ले ले, बट फिर भी तूने मेरे ऊपर अटैक करा इसलिए मुझे तेरे को मारना पड़ा। अरे बोल ये क्या हो गया? पता नहीं गाइस ये क्या हो रहा है, बट जो भी हो रहा है बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है। अरे गाइस ये क्या हो गया? बोल ये तो एक रिपर है यार। शिट गाइस, इतना मैं तेजी से कभी भी लाइफ में भागा ही नहीं हूं। मेरे को लगा था कुछ गंदा चीज होने वाला है क्योंकि अचानक से वो रिपर क्यों आ गया था। गाइस ये एक रिपर है यार, एंड रिपर कोई ऐसा वैसा रिपर नहीं है ब्रो, ये काफी स्ट्रॉन्ग रिपर है। एंड हमारे पास सिर्फ अभी डेमोनिक कैप्रोसुकस है। बोल फिर से क्यों पास जा रहा है यार? वो मेरे घर के पास ही है सिंचन, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? मुझे रिपर के साथ तो पंगा लेना पड़ेगा। पहले इसका है 75 million ब्रो, 75 million वाले रिपर को तो मैं आराम से हरा पाऊंगा। बोल आर यू श्योर? आई एम वेरी मच श्योर, बट देखते हैं, चलो पहले देखना पड़ेगा। अभी तक तो ये कुछ भी नहीं कर रहे, बट ये डेफिनेटली अपने मिनियंस को निकालने वाला है, डेफिनेटली ढेर सारे मिनियंस को ये निकालेगा। सिर्फ मिनियंस, ये कहाँ पर चला गया गाइस रिपर? गाइस ये रिपर तो जमीन के अंदर चला गया। अरे बोल मुझे नहीं लग रहा कि तेरे को अंदर जाना चाहिए यार। गाइस रिपर को खत्म करना पड़ेगा, एटलीस्ट रिपर को नहीं तो। ओ शिट गाइस एक चीज हो गया, ये रिपर मेरे घर के अंदर कैसे चला गया है? गाइस ये रिपर मेरे घर के अंदर चला गया, सारे के सारे बफन्स लड़ रहे हैं इसके साथ, ये नामुमकिन है गाइस। चलो खत्म करते हैं इस रिपर को, खत्म करना ही पड़ेगा गाइस। आई थिंक रिपर हैज बीन डिफीटेड, मैंने रिपर को हरा दिया यार। गाइस मैंने रिपर को तो हरा दिया, लेकिन इसको कुछ ना कुछ हुआ यार, एंड सिर्फ इसको ही नहीं ब्रो, मेरे ऑलमोस्ट सारे के सारे बफन्स मर गए यार। ये क्या हो गया बुल्ट? शिट फॉर्म्स कहां पे चला गया? मैं फॉर्म भी मर गया क्या गाइस? यहां पे जितने भी बफन फेरॉक्स थे सारे के सारे बफन फेरॉक्स को मिटा दिए। अगर मैं फॉर्म्स मर गया है ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा गाइस। ये नहीं, ये नहीं, फॉर्म्स गाइस, फॉर्म्स मर चुका है, फॉर्म्स। बोल ये क्या हो गया यार? बोल्ट मैं जिंदा हूं। फॉर्म्स तू जख्मी हालत में है ब्रो, तू जिंदा कैसे? मैं जल्दी वापस आऊंगा दोस्त, लेकिन एक चीज मैं तुझे बोलना चाहूंगा। क्या बोलना चाहोगे यार फॉर्म्स? तो क्यों मर गया यार? रिपर घर के अंदर आ गया है, मतलब रिपर का ताकत बहुत ज्यादा है, किसी भी वक्त यहाँ पे ढेर सारे रिपर आ सकते हैं अटैक करने के लिए। अब कोई और उपाय है नहीं, कैप्रोसुकस को फॉलन डेमोनिक बनाओ। फॉलन डेमोनिक? लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा लड़ाई हो जाएगा यार। अगर तुमने इसको फॉलन डेमोनिक नहीं बनाया तो तुम्हारा बेस खतरे में है, जितने भी डायनासोर्स रहेंगे सारे के सारे डायनासोर्स मर जाएंगे,
वन बाय वन करके सारे के सारे मेरे डायनासोर्स मर गए हैं। मुझे तो लगा ही नहीं था कि आज मेरा यार दोस्त फोरम भी मर जाएगा जिसने मेरे को इतना सपोर्ट किया। दोस्त, मुझे पता है कि तू वापस जरूर आएगा, वापस जरूर आएगा, वापस जरूर आएगा। सिंचन, पहले देखते हैं कि सेलिस्टल फेरोक्स इधर है कि नहीं। सेलिस्टल फेरोक्स और मेरे कुछ बफन तो अभी तक जिंदा है, मेरे स्पिरिट भी इधर है, बट इन लोगों ने अटैक क्यों नहीं करा यार? फोरम्स क्यों चला गया यार? अरे फोरम्स ने तेरे बेस को बचा दिया, तेरे स्पिरिट को बचा दिया यार। उसने पूरे आर्मी को बचा करके वो मर गया यार। गाइस, मेरे कुछ बफन्स मर गए, कुछ बफन्स ने अपना जान गंवा दिया यार। बट वो रीपर अंदर आया कैसे? रीपर के अंदर इतना ताकत होते हैं क्या? मुझे तुझे फॉलन डेमोनिक बनाना पड़ेगा। ब्रो, मुझे डर लग रहा है यार। डर मत, अगर मैं इसको फॉलन डेमोनिक बना दूंगा तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है।